रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी। इस बीच आपको बता दें आज हरियाणा में बीजेपी करेगी प्रदर्शन। जी हां, शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो आज किया जाएगा बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा। कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी का प्रदर्शन बेहद महत्वपूर्ण खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। यहां पर प्रदर्शन जो है वो यहां पर किया जाएगा, दो घंटे तक धरना देगी बीजेपी कार्यकर्ता, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब सीएम को हटाने की मांग की जाएगी। हाल फिलहाल पंजाब सीएम के बयान के बाद मचा बवाल जो है, अब हरियाणा में बीजेपी इसको लेकर प्रदर्शन करेगी। दो घंटे शांतिपूर्ण प्रदर्शन बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा आज किया जाएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, दो घंटे तक धरना देंगे बीजेपी कार्यकर्ता। तो बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पंजाब सीएम को हटाने की मांग की आज जाएगी। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर की ओर आपको बता दें। बड़ी खबर इस बीच चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर आंदोलन के चलते रास्ता बंद होने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रविवार को आंदोलनकारियों से बातचीत करेगी कमेटी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आंदोलनकारियों से बातचीत कमेटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई है कमेटी जो कि बातचीत करेगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है जो कि रविवार को बातचीत करेगी। मूर्तल में आंदोलनकारियों से बातचीत जो है वो की जाएगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से 43 संगठनों को बातचीत का निमंत्रण भेजा गया है, तो संगठनों ने इसे रास्ता खुलवाने के लिए बातचीत होगी। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आंदोलन के चलते रास्ता बंद होने का मामला और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर संज्ञान लिया। कई राज्यों में इसको लेकर नोटिस जो है वो जारी किया गया, जिसके बाद हरियाणा में आपको बता दें कि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन जो है वो किया गया है, जो कि इन आंदोलनकारियों से बातचीत करेगी और आंदोलनकारी संगठनों को भी संज्ञान जो है वो दिया गया है। बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश जो है यहाँ पर की जाएगी।